बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अबू बकर सिद्दीक और आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक आर्ट्स का मैथमेटिक्स और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। और आज इंशाल्लाह सो क्वेश्चन नंबर 11 करना सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और करना सीख चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास है कि अगर a बराबर हो 2415 और b बराबर हो 3-2, 4 एंड 6 के, तो आप साबित कीजिए a plus b का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है a ट्रांसपोज plus b ट्रांसपोज। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है वो है a plus b का होल ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है a ट्रांसपोज plus b ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे बेटा अपनी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है बेटा वो क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहले a plus b हो रहा है, यानी हम पहले a और b को आपस में करेंगे ऐड और जो आंसर आएगा उसका लेंगे ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे बेटा, a के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, a के नंबर हमारे पास मौजूद है 2, 4, 1 एंड 5 प्लस b के नंबर हमारे पास मौजूद है 3-2, 4 एंड 6। सो हमने क्या किया, a और b की वैल्यूज पुट आउट कर दी। अब चूंकि इसके ऊपर बेटा होल ट्रांसपोज है तो हम इसके ऊपर क्या ले लेंगे, होल ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इनको प्लस करेंगे और प्लस कैसे करेंगे, प्लस करने का तरीका हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि पहले नंबर को पहले के साथ प्लस करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ प्लस करेंगे। जब हम 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 2 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 बटा, इसी तरह अगर हम 4 में प्लस माइनस 2 करेंगे यानी कि हम क्या करेंगे 4 प्लस माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 करेंगे 4 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा 2। उसके बाद 1 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 5 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 और होल ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, दिए गए कॉलम जो है उसके कॉलम्स को जो है रो में तब्दील कर दें या उसकी रोस को जो है वो आप कॉलम में तब्दील कर दें। तो कैसे करेंगे बेटा, हमारे पास जो है अगर लेट्स सपोज अगर देखें तो मेरे पास ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम ये है, तो ये कॉलम में लिखा हुआ है, ये टॉप से बॉटम में लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर दें राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिख दें, यानी कि 5 और 5 सिमिलर पैटर्न से 2 और 11। ये बेटा हमारे पास आ जाएगी हमारे क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड अगर देखें तो उसमें हमें क्या करना है बेटा, राइट हैंड साइड में हमें करना है a का ट्रांसपोज सेपरेट है हमारे पास, b का ट्रांसपोज सेपरेट है, पहले इन दोनों का अलग-अलग से ट्रांसपोज लेंगे और जो आंसर आएगा उनको आपस में ऐड करेंगे हम लोग। सो हमारे पास a के नंबर्स जो है बेटा वो है 2 4 1 और 5 इसके ऊपर ट्रांसपोज बेटा ली, प्लस b के नंबर हमारे पास जो है वो है 3 माइनस 2 4 एंड 6 इसका ट्रांसपोज सेपरेट से है बेटा, तो पहले इनके क्या ले लेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज जब लेंगे बेटा तो ये कॉलम में लिखा है इसको रो में लिखेंगे, ये कॉलम में लिखा है इसको भी रो में यानी कि दाल में लिख देंगे, इस तरह ये कॉलम में लिखे हुए हैं इनको बारी बारी क्या करेंगे रोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटा क्या होगा, हमारे पास आया 2, 1, 1 और 2, 1, 4 एंड 5, ये हमने कॉलम ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया, प्लस b का जब ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे 3 और 4 कॉलम में लिखा है इसको रो में लिखेंगे, -2 और 6 कॉलम में लिखा है इसको रो में लिखेंगे। अब हम कर लेंगे इनको क्या बेटा जी, ऐड कर देंगे और ऐड करने का तरीका वही जो पहले में पहले को ऐड करेंगे, यानी 2 में इधर वाला 3 जब ऐड करेंगे 2 एंड 3 5, 1 में ये 4 ऐड करेंगे तो 1 और 4 5, 4 में प्लस करेंगे -2 तो 4 में प्लस करेंगे -2 तो हमारे पास आएगा माइनस का 2, 5 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। और आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।